वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकालने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से इतिहादे मिलित काउंसिल यानी कि आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि यह भारत रत्न का घोर अपमान है। लालकृष्ण आडवाणी ने देश को बांटने और नफरत फैलाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दे डाली है कि मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है, हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके, आगे वो ये भी कहते हुए नजर आए कि लालकृष्ण आडवाणी ने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की है, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने का काम किया है, वो राजनीति लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से की गई है, ये भारत रत्न का घोर अपमान है। हिंदुस्तान में जो आज राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब के लिए जिम्मेदार लालकृष्ण आडवाणी है। अगर इन सब वजहों से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि वैसी ही हुकूमत बेईमान है वैसे ही लालकृष्ण आडवाणी बेईमान है। मौजूद हैं बरेली के आईएमसी के प्रमुख तौकीर रजा जी, उनसे बात करते हैं कि जो बयान दिया है तो उस बयान को देने का क्या मकसद है और क्या आगे उस बयान से माहौल देश का बिगाड़ना चाहते हैं या ना? सर, जो बयान दिया है आपने उस बयान पर क्या कहना चाहते हैं, बयान देने का क्या मकसद? कौन से बयान? आपने अभी जो पीछे बोला है, एक बयान आपने जारी किया था TV9 भारत वर्ष पे भी चलाया और भी चैनल्स पे चला है, उसके बयान पे क्या ज्ञानवापी पे तो ज्ञानवापी पे मैंने जो कुछ भी कहा है अन्याय अगर न्याय के मंदिर में होगा तो इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और हमें अपने ज्ञानवापी लेनी है, ले लो, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में ताकत है, लेकिन हमारी जो जुडिशियरी पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, क्योंकि मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि तमाम फैसले जो हैं अदालतों के या तो लालच की बुनियाद पर कि राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे रिटायर होने के बाद, या दबाव में, तो दबाव में अगर काम हो रहा है, लालच में अगर काम हो रहा है और ये अन्याय हो रहा है तो इस अन्याय का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से हमें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, जो हम अब कर रहे हैं। एक नौजवान को लेकर आपने एक बयान दिया था कि नौजवान अपने हाथ में ले सकते हैं उस पर क्या कहना चाहिए? मैंने ये बात कही थी कि हमने तमाम तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लिंचिंग बर्दाश्त की है, अपनी बेटियों की बेइज्जतियाँ बर्दाश्त की है, हमारी बेटियों को हिंदू बना लिया गया हमने बर्दाश्त किया है, बाबरी मस्जिद हमसे ज़बरदस्ती झूठ की बुनियाद पर छीन ली गई हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हम अपने देश में अमन बनाए रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इसको हमारी बुजदिली समझा जा रहा है। तो हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं, इन लोगों की तरह ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों की तरह हम अपने नौजवानों को आज़ाद नहीं छोड़ते हैं कि वो जो चाहे करे, कहीं भी भीड़ की शक्ल में खड़े हो जाए और किसी हिंदू को पकड़ के मार डाले। हमने इस ये इजाज़त कभी नहीं दी है और ये कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अन्याय है और अन्याय मुसलमान नहीं कर सकता। तो वो जो अन्याय हो रहा है, हमने अपने नौजवानों को उन तमाम अन्यायों के खिलाफ कि हम हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इन तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे, तो अगर उन लोगों का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाता है और वो ये समझते हैं कि हम बुजदिल हो गए या हमने हुकूमत से साजबाज कर ली, हम कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे अंदेशा है कि वो अपना फैसला खुद लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर उन्होंने अपना फैसला खुद लेना शुरू कर दिया तो अभी तक गृह युद्ध इसलिए नहीं हुआ है सारी बेईमानियों के बावजूद कि मुसलमान ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर मुसलमान ने रिएक्शन दे दिया और मुसलमान ने बिना किसी क़यादत के, बिना किसी नेतृत्व के, अगर उसने खुद कोई फैसला ले लिया तो हिंदुस्तान में गृह युद्ध के जैसे हालात बन सकते हैं जो हम किसी हाल में बनने नहीं देना चाहते। अयोध्या के मसले पर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, अयोध्या इतिहास का हिस्सा बन चुका, जो बेईमानी हुई पूरी दुनिया ने देख ली, इसके बावजूद हमने सब्र किया। अयोध्या में
हमारी मिल्कियत मानी गई, हमारे अधिकार माने गए। उन्होंने जो जो बेईमानियां की, कोर्ट ने उन्हें अपराध माना। नाजायज तरीके से वहां मूर्तियां रखी गई, नाजायज तरीके से साले हुआ, ये तमाम चीजें कोर्ट ने मानी। फिर उन्होंने इस खौफ से कि ये आतंकवादी है, ये गुंडे है, ये बदमाश है, ये दंगा कर देंगे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोग, कोर्ट ने उनको दे दिया। तो ये खुली नाइंसाफी किसी भी वजह से की, आपने दबाव में की, लालच में की। अगर लालच में नहीं की तो राज्यसभा ठुकरा क्यों नहीं दी? अगर लालच में नहीं की तो गवर्नरी रिफ्यूज क्यों नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं आपने अंदरून मतलब अंडर टेबल कुछ ना कुछ डील किया है आपने, और वो साबित हो गया। तो बेईमानी अगर हमारी अदलिया कर रहा है, इससे बड़ा अन्याय, न्याय के मंदिर में अगर ये अन्याय, ये अनर्थ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा ये कि अडानी जी को अभी जो है भारत रत्न अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? लाल कृष्ण अडवाणी जी, अडानी जी को दिया जा रहा है या अडवाणी? अडवाणी जी को। हाँ, आपने कहा अडानी, अडवाणी जी को, अडानी रटा हुआ है आपको। अडानी को भी दे सकते हैं ये लोग। लाल कृष्ण अडवाणी हिंदुस्तान के हजारों बेकसूर लोगों की मौत के जिम्मेदार। ये और बात है कि मुसलमान ज्यादा मरे थे, हिंदुओं को भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ा है। तो जो जितना बड़ा अपराधी है, जिसने जितना बड़ा देश का नुकसान किया है, उसको उतना सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, ये इस बेईमान हुकूमत ने साबित कर दिया है। तो सम्मान अगर हुकूमत से पाना है तो बेईमान और क्रूर और हत्यारा बनना पड़ेगा, ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है वो पास होने जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है अभी। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन किसी भी अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हमारे फैसले नहीं किए जा रहे हैं। हमारे तमाम फैसले यूसीसी के तहत किए जा रहे हैं। तो अभी भी यूसीसी लागू है, बस दिखाना बाकी है कि हमने लागू कर दिया। हमारा कोई फैसला पर्सनल लॉ के मुताबिक नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक।